ना सीधा नहीं बल्कि थोड़ा सा कर्व ग्रो होता है, इसका रीजन क्या है? और ये जो नोकिया फोन में हेलोटोन बजता है, ये हेलोटोन कहाँ से लिया गया है? और फीफा वर्ल्ड कप में विनर टीम को ओरिजिनल ट्रॉफी क्यों नहीं दिया जाता? और क्या आपको पता है मूवीज के स्टार्टिंग में ऐसा स्क्रीन क्यों दिया जाता है? जानने के लिए वीडियो में बने रहना अंत तक। नंबर 18, नोकिया का सबसे फेमस हेलोटोन ये, जिसे 19th सेंचुरी में ग्रान वेलोस नाम का एक म्यूजिशियन का म्यूजिक परफॉर्मेंस है। नंबर 17, क्या आपको पता है जापान के कब्रिस्तान में कवर के ऊपर ऐसे QR कोड बना जाता है जिसे स्कैन करके मरे हुए आदमी का सारा पहचान पता लगाया जा सकता है, जैसे कि वो कब पैदा हुआ था और कब मरा था और वो क्या करता था, उसके बारे में सारा डिटेल्स आप जान सकते हो बस एक स्कैन करके। नंबर 16, एक हेल्दी ह्यूमन एक दिन में लगभग 5 से 6 लीटर तक पानी पीता है, लेकिन क्या आपको पता है एक एलिफेंट अपने सूंड में 5 से 6 लीटर तक पानी स्टोर करके रख सकता है? ये फैक्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 15, हमारे अर्थ में एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया कॉन्टिनेंट मून से भी बहुत बड़ा है। एशिया का सरफेस एरिया 44.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, उसके तुलना में मून 37.8 माइल स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर 14, इलोन मस्क ह्यूमन हिस्ट्री में पहला इंसान है जिसने 1 मंथ के अंदर $200 बिलियन का लॉस किया है। नवंबर 2021 में नेट और 340 बिलियन के साथ नंबर 1 में रिचेस्ट पर्सन थे, बट इस साल टेस्ला के शेयर्स गिरने के कारण इलोन का नेटवर्थ 137 बिलियन नीचे गिर चुका है, बट अब भी इलोन दुनिया का नंबर 2 रिचेस्ट पर्सन है। नंबर 13, आप भी कभी ना कभी ये सोचे होंगे कि बनाना कर्व क्यों होता है, क्योंकि बनाना ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है और ग्राउंड की तरफ नहीं बल्कि सन को फेस करके ग्रो करता है, इसीलिए बनाना कर्व शेप में होता है। नंबर 12, यह है दुनिया का सबसे क्वाइस्ट प्लेस जहाँ पर इंसान 55 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकता, और इस रूम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाहर से 0.0% नॉइस भी नहीं आता। नंबर 11, आपको तो पता ही होगा कि ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, लेकिन क्या आपको पता है ब्लू व्हेल का जो हार्ट बीट है उसे आप 2 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हो। नंबर 10, द रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन का ये आंख मारने वाला मीम तो आप देखे होंगे, बट ये देखो भाई, जिसमें ये काओ बिल्कुल ड्वेन जॉनसन की तरह हूबहू कॉपी कर लेता है, भाई मानना पड़ेगा यार। नंबर 9, ये साउथ रोगाट्टा में आया एक स्ट्रॉम का व्यू है जिसमें ब्लू रेन रेडिश सनलाइट से मिलके और ग्रीन लाइट में बदल गया है, और जो व्यू क्रिएट हो रहा है ना लाइक हेवन। नंबर 8, ये फोटो 2019 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड जीतने वाला इमेज है, बट आप सोचोगे कि इसमें ऐसा क्या है जिसे इसे अवार्ड मिला है, बट आप इसे ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो कि इसमें दो रैट्स कैसे फाइट्स कर रहे हैं, जो कि एक रेयर क्लिक किया गया है इमेज है। नंबर 7, क्या आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप में चैंपियंस टीम को ओरिजिनल गोल्ड ट्रॉफी के जगह डुप्लीकेट ट्रॉफी दिया जाता है? ओरिजिनल ट्रॉफी तो फीफा के हेडक्वार्टर ज्यूरिख में रखा जाता है। ऐसा इसीलिए फीफा के द्वारा किया जाता है क्योंकि 1966 के फीफा वर्ल्ड कप में एक बार ट्रॉफी चोरी हो गया था। नंबर 6, न्यूयॉर्क सिटी में एक यू शेप बिल्डिंग बनाया जा रहा है जो कि इतना बड़ा है कि इसके अंदर से एक प्लेन भी फ्लाई कर सकता है, दैट्स गजब। नंबर 5, ये एक पेन ड्राइव है, बट रुको, ये कोई नॉर्मल पेन ड्राइव नहीं बल्कि इसमें कितना स्पेस बचा है वो भी शो करता है, क्या ही कूल इन्वेंशन है भाई। नंबर 4, ये कोई फैक्ट नहीं है बल्कि आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आप 2022 में सोते हैं और अगर आप 2052 में उठेंगे तो आप अपने आप से कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 3, क्या आपको पता है सन मून से 400 टाइम्स बड़ा है, बट सन को अर्थ के इतना साइज दिखने के लिए 400 टाइम्स दूर जाना पड़ता है। नंबर 1, मूवीज के स्टार्टिंग में आप देखे होंगे कि ऐसे स्क्रीन आता है जिसमें ना AU, ABA, UA, BA, S ये सब लिखा जाता है, बट इसका काम क्या है? AU यानी कि कोई भी एज ग्रुप का आदमी इस मूवी को देख सकता है, ABA UA मींस इस मूवी को 12 इयर्स से छोटे बच्चे को अपने पेरेंट्स के परमिशन से ही देख सकते हैं, BA यानी कि इस मूवीज को 18 से नीचे साल के बच्चे को देखना स्ट्रिक्टली मना है, S यानी कि इस मूवी को डॉक्टर और साइंटिस्ट ही सिर्फ देख सकते हैं। गाइस, वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट है, आप हर रोज तो ATM से पैसे उठाते होंगे, बट क्या आपको ATM का फुल फॉर्म पता है? ATM यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन,
अब इतना कुछ जान गए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और ये वीडियो तो कमाल का है, आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे मून की ग्रेविटी से अर्थ ओशन पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। ये सब फैक्ट तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है टाइटेनिक मूवीज में सबसे लकीस्ट पर्सन कौन है? और दुनिया में ऐसा कौन सा स्टेडियम है जिसे ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है? और दुनिया में ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पर इतना बड़ा बड़ा जायंट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं? वीडियो पूरा अल्टीमेट मजा देने वाला है, इसीलिए वीडियो को जाके देख लो यार।